मेरे वालों जी सारिया प्यार भरी सत श्री अकाल। तो अज की जो वीडियो आप लैके आए हैं वह वीडियो लैके आए हैं हाउ टू अपलाई फॉर अ यूएस वीज़ा एज अ स्टूडेंट इन कैनेडा। सो जो बंदा भी वर्क परमिट के उत्ते है या PR के उत्ते है कोई भी आ वीज़ा अपलाई कर सकता है। इनू आप कहें B1 B2 वीज़ा। सो मैं वीज़ा अपलाई किया अराउंड 25 to 30 मिनट्स मैनू लगे सी। तुहाडा एक लीगल स्टेटस होना चाहिए कैनेडा दे विच। सो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए आप चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के उत्ते। सो मिलते हैं आप तुहानू उत्थे जा के। सो हेलो एवरीवन, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम US वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे US वीज़ा अप्लाई। तो जी सबसे पहला जो इंटरफेस खुल के आएगा हम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो कुछ ऐसी वेबसाइट खुल के आ जाएगी आपकी और नीचे जाके एक्सेस द ऑनलाइन DS-160 बाय क्लिकिंग, इसके ऊपर क्लिक कर दिया हमने तो जी ये नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सो यहाँ के ऊपर हम सिलेक्ट करेंगे, मैं अपना सिलेक्ट करता हूँ कैनेडा टोरंटो, कोड डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। स्टार्ट एंड एप्लीकेशन, जी यहाँ पे कुछ उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी। सिंपली मैं यहाँ पे आई एग्री कर देता हूँ। और जो एक मेन चीज है, जो ये एप्लीकेशन आईडी है इसको आप सेव करके रख लेना या इसकी फोटो क्लिक करके रख लेना। क्यों क्लिक करके रख लेना? क्योंकि बाई चांस आपका लैपटॉप बंद हो जाता है या किसी भी कारणवश आप रुक जाते हैं तो आप इससे रिट्रीव कर सकते हैं। सो यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। बस जॉब कैनेडा डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, कंटिन्यू। हाँ जी, सो सर नेम के ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो सर नेम है मेरा सिंह, गिवन नेम है मेरा अमृत, फुल नेम है जी मेरा अमृत पाल सिंह। Have you ever used other names that is made in religious professional alias etc? No. Do you have a telecode that represents your name? No. Sex male. Marital status single. Date of birth मैं randomly डाल देता हूँ ऐसे ही क्योंकि just as a sample है ये। डाल दी सिटी, डाल दी मैंने अपनी सिटी डाल देता हूँ मैं, बरेली प्रोविंस उत्तर प्रदेश। कंट्री रीजन जो है हमारी है इंडिया। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट नहीं करना, हमको सेव करना पहले। सारी इंफॉर्मेशन सेव हो गई, अब कंटिन्यू एप्लीकेशन, सारी चीजें एक बार देख लीजिए और सिंपली हम कर देंगे नेक्स्ट। पर्सनल कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन, जो हमारी बर्थ कंट्री है वो है इंडिया, कर लिया सिलेक्ट। डू यू होल्ड और एनी अदर नेशनलिटी? नो, अभी तो खाली इंडिया के ही बंदे हैं हम। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री? नो। यहाँ पर आपको डालना है अपना पासपोर्ट नंबर, कुछ भी डाल दो आप, है ना। रैंडमली मैं डाल देता हूँ एस, रैंडमली आपको अपना यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डालना है सिंपली, ठीक है ना। रैंडमली आपको कोई भी अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डाल देना है, जो आपका पासपोर्ट नंबर है आपको यहाँ पे डालना है। और ये मैंने ऐसा सैंपल डाला है, आप
आपको अपना ही पासपोर्ट नंबर डालना है यहाँ पे, और सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे डज नॉट अप्लाई, डज नॉट अप्लाई, सेव, कंटिन्यू एप्लीकेशन। फिर उसके बाद ट्रैवल, प्लीज सिलेक्ट आ वीजा क्लास। सो मेन चीज है ये पर्पस ऑफ द ट्रिप टू द यूएस। सो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम टेम्प्रेरी बिजनेस प्लेजर विजिटर, और यहाँ पर B1 B2 वीजा। हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रेवल प्लान्स? अगर आप यस कर देते हो तो यहाँ पे सारी चीजें खुल के आ जाएंगी, कौन सी आपकी फ्लाइट है, कुछ जो भी है। हम सिंपली करेंगे नो और एक इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रेवल डाल देंगे हम, तो हम डाल देते हैं 1 December 2022। उसके बाद हमको रुकना है मान लो 5 days, ठीक है। अब जो मेन चीज है, मेन पंगा जो है, एड्रेस वेयर यू विल स्टे इन द यूएस। सो जब मैंने अपना अप्लाई किया था तो मैंने किसी होटल का एड्रेस डाला था, तो मान लो हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं डिज्नीलैंड कैलिफोर्निया, ठीक है, और यहाँ पर सर्च कर देते हैं होटल्स। जी सामने आपके आगे कई सारे होटल्स, तो किसी भी एक होटल को हम उठा लेते हैं यहाँ पे, इस होटल को उठा लिया। तो जी ये एड्रेस आ गया, सिंपली आपको यहाँ से इसको क्लिक करना है, कॉपी पेस्ट, ठीक है। सिटी आ गई हमारी, सिटी जो है हमारी वो है एनहम। सिटी कॉपी कर दी हमने यहाँ पे, स्टेट रहेगा हमारा कैलिफोर्निया। जिप कोड अगर आपको पता है तो आप डाल दो, जिप कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंपली यहाँ से हमने किया कॉपी, यहाँ पर हमने कर दिया पेस्ट। पर्सन एंटिटी पेइंग फॉर योर ट्रिप सेल्फ, सेव कर दिया। कंटिन्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे हम, और ट्रेवल कंपेनियंस नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएंगे। आर देयर एनी अदर पर्संस ट्रैवलिंग विद यू? नो, सेव, कंटिन्यू। नेक्स्ट, प्रीवियस यूएस ट्रैवल, हैव यू एवर बीन इन द यूएस? इट्स नो। हैव यू एवर बीन इशूड अ यूएस वीजा? नो। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ यूएस वीजा? नो। हैव यू एवर, हैज एनीवन एवर फाइल्ड एनी इमिग्रेशन पिटीशन? नो, सेव। ज्यादातर ऑप्शन नो ही होते हैं, बट फिर भी हमको देखना होता है। कंटिन्यू एप्लीकेशन जी। उसके बाद एड्रेस एंड फोन, हाँ जी। अब यहाँ पे आपका आ गया होम एड्रेस, होम एड्रेस जहां पर अभी आप रह रहे हो, सॉरी। तो यहाँ पर आप अपना होम एड्रेस डाल दोगे, जैसे मैं कनाडा में रहता हूँ तो मैंने अपना कनाडा का एड्रेस डाला था, जहाँ पर आप रह रहे हो होम एड्रेस। सिटी, जैसे मैं कनाडा में हूँ अभी ब्रैम्पटन में, तो सिटी यहाँ पे आ जाएगी ब्रैम्पटन। स्टेट ओंटारियो, पोस्टल कोड जो भी आपके घर का कोड है, और कंट्री यहाँ पे आ जाएगी कनाडा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम एड्रेस डाल देता हूँ, स्ट्रीट एड्रेस मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कैसल मोर, सिक्स
जी कुछ भी आपको रैंडम एड्रेस डालना है तो मैं अपना एड्रेस यहाँ पे नहीं डालूंगा। सो फ्रेंड्स, थोड़ी सी मेरे को आसानी हो इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहले से ही फिल आउट करके रखी हुई हैं। सो होम एड्रेस के ऊपर आपने ये मैंने ऐसे डाल दिया है, कोई भी रैंडम एड्रेस, सिटी ब्रैम्पटन, अभी मैं कनाडा में हूँ, प्रोविंस जो है ओंटारियो, और पोस्टल कोड अगर आपके पास है तो आप पोस्टल कोड बता दो। कंट्री आ गई आपकी कनाडा। इज योर मेलिंग एड्रेस द सेम एज योर होम एड्रेस? यस। फोन नंबर मैंने रेंडमली ऐसे डाल दिया है। हैव यू यूज्ड एनी अदर फोन नंबर्स इन द लास्ट 5 years? नो। ईमेल एड्रेस मैंने रेंडम एड्रेस डाल दिया कोई भी। हैव यू यूज्ड एनी अदर ईमेल एड्रेस इन द लास्ट 5 years? नो। सोशल मीडिया प्रेजेंस अकाउंट मैंने डाल दिया यहाँ पे। डू यू विश टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस ऑन द अनदर वेबसाइट्स? नो। और सिंपली हम इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यू एप्लीकेशन, फिर हम आगे जाएंगे और नेक्स्ट पासपोर्ट इंफॉर्मेशन, रेगुलर पासपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम रेगुलर। पासपोर्ट नंबर मैंने ऐसे ही रेंडमली डाल दिया है। यहाँ पर आएगा डज नॉट अप्लाई। इशूड, कौन सी कंट्री में आपका पासपोर्ट इशू हुआ है? तो वो है हमारी इंडिया, इंडिया, इंडिया में हमारा पासपोर्ट इशू हुआ था। कौन सी सिटी में हुआ था? बरेली। और स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश। कंट्री हमारी आ गई इंडिया। इशू डेट, एक्सपायरी डेट आप डाल देंगे अपने हिसाब से जो आपके पासपोर्ट में दी हुई है। हैव यू एवर लॉस्ट अ पासपोर्ट और हैड वन स्टोलन? नो। सिंपली कर दिया इसको सेव, कंटिन्यू एप्लीकेशन। यहाँ पे जाएंगे हम नेक्स्ट, US कॉन्टैक्ट। सो हमारा कोई भी वहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं है तो डू नॉट नो पे हम क्लिक कर देंगे। अब जो एड्रेस की बारी थी, मैंने यहाँ पे डाला है डबल ट्री सूट्स बाय हिल्टन। सो मैंने दिखाया था उनको कि मैं जा रहा हूँ कैलिफोर्निया, डिज्नीलैंड, ठीक है। और आगे आप डाल दो होटेल्स जी। सबसे पहले आपका आ जाएगा होटल जो भी मैंने डाली थी, एक होटल की इंफॉर्मेशन, डबल ट्री बाय हिल्टन सी, मैंने इस होटल की इंफॉर्मेशन डाली है यहाँ पे। सो सेम कॉपी करके एड्रेस डाल देंगे हम यहाँ पे, जो भी सारा एड्रेस है ये सारा कॉपी करके हम यहाँ पे डाल देंगे। सिटी, सिटी हमारी है ये वाली एनहम, कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एनहम। स्टेट, स्टेट हमारा कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया पे क्लिक कर दिया। जिप कोड ये दिया हुआ है, सो ये हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। और होटल का फोन नंबर ये दिया हुआ है इन्होंने, इसको भी हमने सीधा पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ईमेल एड्रेस होटल का नहीं है तो आप डज नॉट अप्लाई पे क्लिक कर देंगे और सेव कर देंगे, कंटिन्यू एप्लीकेशन। यहाँ पर सारी चीजें आ गई हैं और नेक्स्ट फैमिली के ऊपर आ गए। यहाँ पर फादर्स फुल नेम, सर नेम डाल दिया हमने सिंह, नेम डाल दिया बलविंदर, डेट ऑफ बर्थ मैंने रैंडमली चूज की है। इज योर फादर इन द US? नो। हरजिंदर कौर सर नेम, डेट ऑफ बर्थ रैंडमली डाल दी। इज योर मदर इन द US? नो। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव्स नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स? नो। डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स? नो। और सेव कर देंगे, कंटिन्यू एप्लीकेशन। नेक्स्ट, एजुकेशन वर्क ट्रेनिंग, हम स्टूडेंट हैं तो हमने स्टूडेंट भरा था। कॉलेज डाल दिया हमने कॉलेज का नाम, कॉलेज का एड्रेस डाल दिया, टोरंटो सिटी है, प्रोविंस ओंटारियो है, जिप कोड नहीं है डज नॉट अप्लाई कर दो, फोन नंबर रैंडमली डाल दिया, कंट्री है कनाडा, स्टार्ट डेट रैंडमली डाल दी, मंथली इनकम इन लोकल करेंसी तो हमने 1500 डाली है यहाँ पे, कोई भी हमको डॉलर का साइन यहाँ पे नहीं लगाना है। और ब्रीफली मैंने लिखा दिया है, यहाँ पे लिख दिया है पिकिंग ग्रोसरी इन अ वेयरहाउस, सेव कर देंगे, कंटिन्यू एप्लीकेशन।
नेक्स्ट वर्क एजुकेशन प्रीवियस वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड नो हैव यू डन एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एट अ सेकेंडरी लेवल ऑफ अबव नो सेव कंटिन्यू नेक्स्ट वर्क एजुकेशन डू यू बिलोंग टू अ क्लैन और ट्राइब नो प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस हिंदी पंजाबी इंग्लिश जो भी आपको आती है हैव यू ट्रैवल टू एनी अदर कंट्रीज नो हैव यू बिलोंग टू अ नो जी सारी चीजें यहाँ पे नो ही होती हैं बट फिर भी हम सारी चीजें देख लेंगे नेक्स्ट हर दफा आपको सेव करना है कोई भी चीज आप करो तो हमेशा आपको सेव करनी है यहाँ से इफ आर कम्युनिकेबल डिजीज नो हैव योर मेंटल फिजिकल नो आर योर ड्रग एब्यूजर नो नेक्स्ट हैव बीन अरेस्टेड नो सो ज्यादातर सारी चीजें नो है एक बार फिर भी आप सारी चीजें ध्यान से पढ़ लेना कि कोई भी आपको दिक्कत ना आए नेक्स्ट Do you seek to engage in the body? No. Do you seek to engage in intellectual activities? No. So, सारी चीजें no हैं, but फिर भी एक बार आप अपना फॉर्म भरते हुए देख लेना हमेशा सेव करना है आपको फिर अपना नेक्स्ट Do you have sought to obtain? No. Do you have removed or deported from the country? No. सेव करके कंटिन्यू नेक्स्ट Have you withheld custody of U.S. citizen after the United States? No. Have you ever voted in the United States in violation of any law? No. Have you ever renounced United States citizenship? No. Save. Continue application. Next photo. So, जी इतना simple सा process है. यहाँ पर जो आपकी photo है वो 240 KB से छोटी होनी चाहिए. और इसके बाद आपको एक सारी चीजें दोबारा से खुल के आ जाएंगी आपको देखने के लिए पता चल जाएगा कि क्या क्या सारी चीजें हैं जिससे कि आप सारी चीजें रेक्टिफाई कर सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत होगी और फोटो अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट करनी है 160 US डॉलर्स में पेमेंट करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है अपनी और उसको आप रिस्केड्यूल भी करवा सकते हैं सो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए मैं अपना एक लिंक डाल दूंगा और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको यूएस वीजा अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल सो रीशेड्यूलिंग एन अपॉइंटमेंट यहाँ पे आप कर देंगे क्लिक सो ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा सीधा सो अप्लाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं डीएस 160 फॉर्म भर चुके हैं अब करेंगे सीधा कंटिन्यू पेमेंट के बाद करनी है सारी चीजें यहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाओगे आप और अकाउंट बनते ही आप सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं साथ में आपको पासपोर्ट लेके जाना है अपना और कलर्ड फोटो लेके जानी है सारी चीजें उसमें वहाँ पे मेंशन की हुई है उन्होंने कि क्या क्या आपको साथ में लेके जाना है सो जी यही थी आज की वीडियो अगर कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं सो थैंक यू वेरी मच वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय